Hello my dear student, dear student, I am your teacher of mathematics. Today's class we discuss our book of maths. So let's start our class. Student, अब तक अपना टॉपिक चल रहा था शेप्स, जिसमें हमने कर्व लाइन के बारे में पढ़ा था, यानी लाइंस के बारे में पढ़ा था. फिर हमने पढ़ा था प्लेन शेप्स के बारे में. आज हम पढ़ेंगे सॉलिड शेप्स. तो देखिए, सबसे पहले स्टडी करते हैं कि सॉलिड शेप क्या होती है, फिर मैं आपको फिगर्स के थ्रू समझा देती हूँ. ऑब्जर्व द रूम यू आर सिटिंग इन, योर प्लेइंग बॉल, योर इरेजर, ए बर्थडे कैप, आइस क्यूब्स एक्सेट्रा. दे मे लुक लाइक टू डी शेप्स बट दे आर नॉट. दीज आर थ्री डी शेप्स, लेट्स रीड अबाउट देम. अब जैसे कि बच्चों, आप क्लास में बैठते हो तो अपने आसपास जो चीज़ें उनको ऑब्जर्व करो. फॉर एग्जांपल, आपकी जो प्लेइंग बॉल है, गेंद, उसको ऑब्जर्व करो. इरेजर, बर्थडे कैप, आइस क्यूब, इन सबको अगर आप देखते हो तो आपको ऐसे लगता है ये टू डी शेप है, यानी द्विमीय आकृति है. लेकिन एक्चुअल में क्या है, थ्री डी शेप है, त्रि आयामी आकृति है. अब देखिए थ्री डी शेप्स क्या होती है उसके बारे में हम पढ़ते हैं. तो सबसे पहले आपका ये क्या है, ये आपका है क्यूब. देखिए, दिस इज अ क्यूब, इट हैज सिक्स फेसेस, एट कॉर्नर्स एंड 12 एजेस. ऑल फेसेस आर इक्वल इन ए क्यूब. अब देखिए, ये क्यूब है, इसमें क्या है, इसमें सिक्स फेस है, एक दो तीन चार पाँच, एक ये पूरा छः. आपके सिक्स फेसेस होते हैं एक क्यूब के अंदर, और एट कॉर्नर होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8. एट कॉर्नर्स होते हैं और कितने होते हैं, 12 एज होते हैं, 12 किनारे होते हैं. तो क्यूब में बेसिकली क्या चीज़ें होती है, कॉर्नर्स, फेस और एज. हो गया बच्चों. अब नेक्स्ट आपका क्यूबॉइड. क्यूबॉइड देखिए, क्यूबॉइड में भी क्या होता है, दिस इज अ क्यूबॉइड, इट हैज सिक्स फेस. ये क्यूबॉइड, इसमें सिक्स फेस है. द अपोजिट फेस आर इक्वल, और इसमें जितने भी अपोजिट फेस होते हैं, यानी ये फेस हो गया, ये यानी फेस जो होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं. और इसमें कितने कॉर्नर होते हैं, एट कॉर्नर्स. और एजेस कितने होते हैं, 12. और एजेस कितने होते हैं, एजेस का मतलब होता है किनारे, किनारे कितने होते हैं, 12. अब नेक्स्ट आपका ये क्या, स्फीयर. स्फीयर का मतलब होता है गेंद या गोलाकार. तो इसमें क्या होता है, इसमें फेस होता है. दिस इज ए स्फीयर, इट हैज़ वन फेस, एग्जाम्पल कर्व्ड शेप सरफेस एंड नो कॉर्नर्स एंड नो एजेस. इसमें कर्व फेस होता है, इसका एक ही फेस होता है, ना तो इसमें कोई कॉर्नर होता है, ना इसमें एज होते हैं. अब आगे है सिलेंडर. देखिए, दिस इज अ सिलेंडर, इट हैज़ थ्री फेस, वन कर्व्ड सरफेस एंड टू फ्लैट सरफेस, टू एजेस एंड नो कॉर्नर. अब इसमें देखिए कितने फेस है, इसमें इसमें थ्री फेस है बच्चों. कितने फेस है, थ्री फेस है, जिसमें एक तो कर्व फेस है, एक दो है इसके फ्लैट सरफेस. इसमें दो एज होते हैं, एक और दो, और इसके अंदर कोई भी कॉर्नर नहीं होता है. अब नेक्स्ट आपका एक कॉन, दिस इज अ कॉन, इट हैज टू फेसेस, वन कर्व फेस एंड वन फ्लैट सरफेस, वन कॉर्नर एंड नो एज. अब इसमें क्या है, इसमें कितने फेस है, दो फेस है, एक ये वाला हो, ये वाला फेस और ये वाला फेस. कॉर्नर कितना हो गया, वन कॉर्नर हो गया, और वन क्या हो गया, एज हो गया. आ गया बच्चों समझ में. तो ये तो थी आज आपकी सॉलिड शेप्स. अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस देखिए. तो क्वेश्चन में करेंगे एक्सरसाइज 5C. आपको कुछ नहीं करना, खाली शेप्स के नाम लिखने हैं. नेम द सॉलिड शेप्स एंड ईच ऑब्जेक्ट इज शेप्ड लाइक. यहाँ देखिए आपको क्या करना है, ये कुछ शेप्स दी गई है, कुछ ऑब्जेक्ट है, इनमें कौन से शेप है वो बतानी है. तो सबसे पहले आपका ये रहा, ये क्या है बच्चों, ध्यान से देखते हो तो ये किसके जैसा है, ये सिलेंडर के जैसा. तो यहाँ आप लिख दोगे सिलेंडर. क्यों बच्चों, क्योंकि इसकी आकृति क्या है, सिलेंडर. तो यहाँ लिखा हमने सिलेंडर. हो गया बच्चों, ये लिख दिया हमने सिलेंडर. नेक्स्ट है ये देखिए, ये क्या है बच्चों, ये हो गया आपका क्यूबॉइड. तो यहाँ क्या लिखोगे आप, क्यूबॉइड. हो गया बच्चों, ये आपका नेक्स्ट क्या है, क्यूब. तो यहाँ लिखा हमने क्यूब. अब ये क्या है, ये भी आपकी कैसी, सिलेंडर. तो यहाँ आपने लिखा सिलेंडर. हो गया बच्चों, ये तीन हमने, सॉरी चार हमने फेस जो हमारे पास ऑब्जेक्ट थे उनको कंप्लीट किया. अब आगे, मैच द फॉलोइंग विद देयर शेप्स, यूज क्रेयॉन्स ऑफ डिफरेंट कलर. आपको यहाँ देखिए कुछ नाम दिए गए, जैसे स्पीयर, कॉन, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर. और यहाँ आपको शेप्स दी गई है, जितनी आपके पास शेप्स है उतनी ही आपके पास नेम है. तो इनको एक दूसरे से मैच करना. तो सबसे पहले ये क्या है बच्चों, ये है आपकी क्यूब, आइस क्यूब है, जैसे नाम से ही होता है आइस क्यूब. तो आइस क्यूब से किया मैच. स्पीयर, स्पीयर किससे है, आपकी जो गोल गेंद उसको मैच किया. सिलेंडर, सिलेंडर आपका ये रहा. नेक्स्ट कौन, ये कौन, ये रहा. और क्यूबॉइड का ये रहा. तो ये आपने कर लिए है शेप्स को उनके नेम से मैच करवाना. अब देखिए हॉर्स क्वेश्चन देखिए.
टिक द करेक्ट चॉइस, हमें सही चॉइस पे राइट का मार्क करना है. विच ऑफ दीज हैज नो ऑल साइड इक्वल, इनमें किस में सभी साइड इक्वल होती है. तो बच्चों स्क्वायर रेक्टेंगल या नन ऑफ दीज, तो स्क्वायर जो होता है उसकी सारी साइड जो होती है वो इक्वल होती है. विच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड्स आर ए कर्व्ड सरफेस ओनली, इसमें खाली किसमें एक कर्व सरफेस होता है, यानी कि कर्व ही इसका सरफेस होता है, उसके अलावा नो कॉर्नर और नो इसके एज होते हैं. तो आपका जो स्पीयर होता है उसमें एक ही कर्व सरफेस होता है. एन एग्जाम्पल ऑफ स्पीयर इज, स्पीयर का एग्जाम्पल क्या है, फुटबॉल एस्क्यू भी डाइस, तो आपकी फुटबॉल जो है गोल होती है, तो स्पीयर का एग्जाम्पल हो गया है. तो यहाँ आपने क्या किया है, तीन क्वेश्चंस किए. आज आपको नोटबुक में क्या करना है, नोटबुक में आपको करना है एक्सरसाइज 5C, जिसमें आपको क्वेश्चन फर्स्ट, जिसमें आपको ये डायग्राम बनाने हैं, डायग्राम के नीचे इनके नाम लिखने हैं. फिर आपको करना है क्वेश्चन सेकेंड, जिसमें आपको क्या करना है, मैच द फॉलोइंग, यानी कि आपको डायग्राम बनाने हैं, डायग्राम उनके जो राइट नेम है उनके साथ में मैच करना है. नेक्स्ट आपको करना है हॉर्स क्वेश्चन. तो आज आपके पास काफ़ी सारा वर्क हो गया, जिसमें आपको हॉर्स क्वेश्चन करने, दो आपके क्वेश्चन किस में है, शेप्स में. तो शेप्स में आज आपने सीखी है एक्सरसाइज 5 में सी शेप्स के नेम सीखे, जिसमें हमने सॉलिड शेप्स सीखा है. आई होप आपने ये समझा होगा. नेक्स्ट क्लास का अपना टॉपिक नेक्स्ट एक्सरसाइज रहेगी. तो डियर स्टूडेंट, यहाँ तक कन्फ्यूजन है तो आप हमें पूछ सकते हैं. आपको वीडियो क्लेश और कमेंट करना है. वे नेक्स्ट, थैंक यू अगेन.